अस्सलाम वालेकुम क्लास, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 13। आई एम बैक, योर टीचर इट्स अफजल फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी 2, एंड योर सब्जेक्ट नेम इज़ एंड योर प्रोग्राम इज़ BS मैथ। दिस लेक्चर इज़ रिकॉर्डेड फॉर द लकाव स्टूडेंट्स ऑफ BS मैथ। ओके क्लास, आज आपको जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, इसमें मैंने आपको मज़ीद जो है बताने जा रही हूँ कि मल्टीपल रिग्रेशन, पार्शियल रिग्रेशन क्या होता है। हम लोगों ने मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, और हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशंस बनाई मल्टीपल रिग्रेशन में, उससे रिलेटेड हम लोगों ने जो है क्रेमर रूल का भी मैंने आपको असाइनमेंट दी, और इसके अलावा दूसरा मैट्रिक्स मेथड से नॉर्मल इक्वेशंस के बाद मैट्रिसेस में उसको कन्वर्ट किया, और उससे हम लोगों ने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना सीखा। विद स्लोप क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होती हैं, और इंटरसेप्ट क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों को पता है, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होगा तभी हम आगे जो है वो बाकी कॉन्सेप्ट्स जो या इसकी मज़ीद जो टॉपिक है उसके बारे में ईजीली समझ सकते हैं। क्लास, आप लोगों को मैं बहुत ही ईजी वे में फार्मूलाज बताती हूँ ताकि आप लोग उन्हीं मेथड्स को फॉलो करें और सॉल्व करें, क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल नॉर्मल इक्वेशंस बता देती और आप लोग उसको फॉलो करते तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता और थोड़ा सा आपको खुद सर्च करनी पड़ती। बट मैंने क्या किया, मैंने आपको डायरेक्टली उसको मैट्रिसेस मेथड में बताया, क्योंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट्स थे तो मैंने कहा कि आप लोग इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैट्रिसेस मेथड बताया जाए, जो कि आप लोगों के लिए इजी हो करने के लिए। अच्छा क्लास, लास्ट लेक्चर जो आप लोगों का लेक्चर नंबर 12 था, वो हम लोगों ने एंड किया था पार्शियल रिग्रेशन में, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बताए। ओके क्लास, मैंने आप लोगों को आपके लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स बताए वो क्या थे पार्शियल रिग्रेशन के, जिसमें मैंने आप लोगों को जो ये है B1 to .3 यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और यस क्लास, आप लोगों को लास्ट मैंने जो लेक्चर दिया उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि B1 to .3 क्या होता है, B1 3 to .2 क्या होता है, यानी पार्शियल रिग्रेशन के बारे में बताया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो से ज़्यादा जो होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसमें हम लोग क्या करते हैं अपने इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर हमारा जो पहला X2 के साथ यानी फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट अटैच है, इसको हम पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्यों कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट यूज़ किया है वो यूज़ किया है 1 2 .3। 1 2 .3 का मतलब क्या होता है, दैट हमारे पास जो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इसमें हम लोग X1 और X2 की रिग्रेशन लाइन को चेक कर रहे हैं बाय कीपिंग कांस्टेंट द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल X3। इसी तरह से B1 3 to .2 क्या हो गया आप लोगों के पास कि इसमें हम लोग X3 और X1 की रिग्रेशन कोएफिशिएंट को चेक कर रहे हैं और रिग्रेशन इक्वेशन को निकाल रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने X2 डिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट रखा हुआ है, द इफेक्ट ऑफ X2 वेरिएबल कीपिंग कांस्टेंट। तो ये आप लोगों के पास एक रिग्रेशन इक्वेशन है जिसको हम लोग पार्शियल रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं। ये भी बेसिकली एक मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम लोग ये वाली इक्वेशन बनाते हैं। अब इस इक्वेशन के हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है। नॉर्मल इक्वेशंस आपको पता है क्या होती हैं, और मैंने आप लोगों को मल्टीपल रिग्रेशन में आपको नॉर्मल इक्वेशंस बनाने का तरीका भी बताया है, इसमें भी आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। बस फ़र्क क्या होगा, हमारे पास जो प्रीवियस आप लोगों ने लिया लेक्चर उसमें आपके पास ये सबस्क्रिप्ट नहीं था, इसमें यह सबस्क्रिप्ट होगा। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, जिसमें आप लोगों ने नीचे एक्सप्लेन करना है वेयर A B1 to .3 B1 3 to .2 आर कॉन्स्टेंट। ये तीनों बेसिकली कॉन्स्टेंट्स ही होंगे जिनकी हम लोगों ने वैल्यूज निकालनी होती हैं। द अबव इक्वेशन कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। जो हमारे पास ये अबव इक्वेशन के अंदर ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। और इनकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं, द नॉर्मल इक्वेशंस आर, इनकी नॉर्मल इक्वेशंस हम लोग कैसे बनाते हैं, सेम उसी पैटर्न से बनाएंगे जैसे हम लोगों ने मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन में बनाई थी, कि पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो होती है हमारे पास, जिसको मैंने यहाँ पर ए का नेम दिया है, ये आप लोग गौर से देख सकते हो। लेट मी फोकस द कैमरा। ओके,
आप लोगों की फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, इसी इक्वेशन को जो आप लोगों ने ये बनाई हुई है, इसी इक्वेशन में आप लोगों ने समेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। पहले स्टेप में जब आप समेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, आप लोग देख रहे हो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, समेशन एक्स वन, ठीक है, एन ए, चूँकि ए कॉन्स्टेंट था तो समेशन मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास एन मल्टीप्लाई हो गया। देन आपके पास बी वन टू डॉट थ्री कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, एक्स टू वेरिएबल जो था उसके साथ समेशन मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह बी वन थ्री डॉट टू आपके पास कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, और एक्स थ्री जो था वेरिएबल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एज समेशन मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए आप लोग जो हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट या रिग्रेशन इक्वेशन होती है नंबर वन पे, उसके साथ समेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो, और इसे इक्वेशन नंबर ए का नेम दिया, यानी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है कि आप इसी इक्वेशन को जो ऊपर मौजूद है इसके साथ एक्स वन को, यानी फर्स्ट जो आपका सॉरी आपके पास जो एक्स टू है यानी जो फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लोग करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जिसको इक्वेशन नंबर बी का नेम दे दिया। फिर देख लें गौर से, समेशन एक्स वन एक्स टू, क्योंकि एक्स टू को मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, आपकी रिग्रेशन इक्वेशन जो आपके बोर्ड पर नज़र आ रही है, देन आपके पास आपने समेशन को मल्टीप्लाई करना होता है एक्स टू के साथ। तो ए के साथ जब आपके पास एक्स टू मल्टीप्लाई हुआ, देखें, देन आप लोगों के पास एक्स टू के साथ एक्स टू मल्टीप्लाई हुआ, एक्स टू स्क्वेयर आ गया, एक्स थ्री के साथ एक्स टू मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स टू एक्स थ्री आ गया, और देन इसको ऊपर समेशन अप्लाई कर दिया तो इक्वेशन नंबर बी बन गई, यानी सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। देन थर्ड नॉर्मल इक्वेशन भी हम सेम इसी तरह बनाएंगे, हम लोगों ने सेकंड जो डिपेंड वेरिएबल होता है उसको मल्टीप्लाई करके समेशन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, थर्ड नॉर्मल इक्वेशन बन जाती है। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग इसे जो है अपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके मैट्रिसेस फॉर्म में इसके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को, यानी ये वाले जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है ए बी वन टू डॉट थ्री बी वन थ्री डॉट टू, इनको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाय कन्वर्टिंग दीज नॉर्मल इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। बट यहाँ पे हमारा काम खाली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं, एक और मेथड के साथ इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं इसमें जो नंबर वन ए यानी ए इक्वेशन जो है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए बाय एन। अब हम लोगों ने एन के साथ इक्वेशन ए को डिवाइड कर देना है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए समेशन एक्स वन को एन पे डिवाइड किया तो एक्स बार वन बन गया, एन ए को एन पे डिवाइड किया तो ए बन गया, बी वन टू डॉट थ्री समेशन एक्स टू को एन पे डिवाइड किया तो एक्स बार टू बन गया, इस तरह बी वन थ्री डॉट टू समेशन एक्स थ्री को एन पे डिवाइड किया तो एक्स बार थ्री बन गया, इसको इक्वेशन नंबर टू का मैंने नेम दे दिया, ठीक है। फिर सुन लें, हम लोगों ने इक्वेशन ए यानी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन को हम लोगों ने एन पे डिवाइड करना है, हमारे पास इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी। इक्वेशन नंबर टू जब बन जाएगी, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर टू को सब्ट्रैक्ट कर देना है जो हमारे पास फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर वन है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर टू को आपकी फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई, एक्स बार वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स बार वन बी वन टू डॉट थ्री एक्स टू माइनस एक्स बार टू बी वन थ्री डॉट टू एक्स थ्री माइनस एक्स बार थ्री। जब ये इक्वेशन बन जाती है, बेसिकली इसको बनाने का पर्पस क्या है, मैं आपको वो चीज़ बता सकूं जो हम लोगों ने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूलाज यूज़ किए हैं डेविएशंस के। अब आप लोग देख रहे हो कि आपके पास ये जो इक्वेशंस बनी है इसको हम नाम दे देंगे स्मॉल एक्स वन का, ओके, इक्वल्स टू बी वन टू डॉट थ्री स्मॉल एक्स टू प्लस बी वन थ्री डॉट टू स्मॉल एक्स थ्री। आप देख रहे हो, यानी जितनी भी डेविएशंस हैं एक्स वन माइनस एक्स बार वन एक्स टू माइनस एक्स बार टू एक्स थ्री माइनस एक्स बार टू, रिग्रेशन की लैंग्वेज में उन्हें हम स्मॉल एक्स में अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है स्मॉल एक्स वन का मतलब है डेविएशन ऑफ एक्स कैपिटल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू का मतलब है डेविएशन ऑफ कैपिटल एक्स टू, स्मॉल एक्स थ्री का मतलब है डेविएशन ऑफ कैपिटल एक्स थ्री। यानी वो चीज़ जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में आपके फार्मूलाज में यूज़ की आप लोगों को याद होगा, तो वो डेविएशन फॉर्म हम लोग
इस तरह से बनाते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अब हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन जब कर रहे होते हैं या पार्शियल रिग्रेशन इक्वेशन कर रहे होते हैं तो उसमें नॉर्मल इक्वेशंस को डेविएशन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, या जब हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने डेविएशंस में किस तरह से अपने फार्मूलाज में डेविएशन फॉर्म कैसे बनाई थी, और किस तरह से अपने मैट्रिक्स जो 3x3 का मैट्रिक्स था उसको 2x2 में कैसे कन्वर्ट किया था अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मज़ीद इसकी एक्सटेंशन समझते हैं, डेरिवेशन आप लोग देखते जाएं। ओके क्लास, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग मज़ीद इसका नेक्स्ट क्या काम करेंगे, या इसे हम लोगों को इन डेरिवेशन से कौन से वाले न्यू फार्मूलाज मिलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने ये डेविएशन फॉर्म वाली इक्वेशन कैसे निकाली है, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशन नंबर ए को हम लोगों ने एन पे डिवाइड किया और उसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास ये डेविएशन वाली इक्वेशन बन गई। इसी तरह से वही स्टेप्स अगर आप लोग क्लास इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी नॉर्मल इक्वेशन के साथ करोगे तो आपके पास ये दो तरह की मज़ीद इक्वेशंस बनेंगी। आपने इनको नेम दे देना है, आपने जो फर्स्ट डेविएशन नॉर्मल इक्वेशन बनाई है वो आपको आपने उसको नेम दे दिया 3, और फोर्थ वन जो है आप लोगों ने सेकंड के लिए जो बनाई है यानी बी इक्वेशन के लिए, और थर्ड वन आपके पास क्या बन जाएगी, x1 x2, लेट मी चेक। ओके इट इज़ फॉर x1 x3। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने ये इक्वेशंस कैसे ऑब्टेन की है। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, इन इक्वेशंस को ऑब्टेन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इनके साथ समेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। जब इन इक्वेशंस के साथ आप समेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हर इक्वेशन में समेशन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आप लोगों के पास समेशंस आ गए। जब आप लोगों के पास समेशंस आ गए, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे हम लोग मज़ीद जो है इक्वेशंस को बना सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन नंबर 4 को लेती हूँ तो उससे कुछ फार्मूलाज हमारे पास बन जाएंगे। क्या अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को लेके इस तरह से लिख लूँ, ये B12.3 जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है, B13.2 वाली जो आपकी टर्म है ये भी ऐड हो रही है, इक्वल के इस तरफ आकर ये सबट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखें इक्वल्स टू 0। अगर इसमें से जो हमारे पास कॉमन चीज़ है वो हम लोग निकाल लें, आप लोग देख सकते हो इस पूरी इक्वेशन में समेशन x2 कॉमन है, तो अगर मैं समेशन x2 को कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म बनेगी, x1 minus b12.3 x2 minus b13.2 x3। ये देखें समेशन x2 को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये 0 के इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास ये चीज़ जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब आप लोग इस तरह के इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म बनती है, और इससे आप मज़ीद डेरिवेशन क्या कर सकते हैं। क्लास आप लोगों ने ये डेरिवेशन याद करनी है जैसे जिन स्टेप्स में मैंने आपको करवाई हैं। अच्छा, इसको मज़ीद हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम लोगों ने इक्वेशन 4 के लिए ये काम किया है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 6 का नेम देख सकते हो थोड़ा सा इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। यही काम आप इक्वेशन नंबर 5 के लिए करोगे तो आप देखोगे क्या आपके पास फॉर्म बनती है। लेट्स डू इट। इन इक्वेशंस को अगर आप लोग याद कर लेते हो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही आसान हो जाएंगे।
कि हम लोगों ने ये डेविएशंस या रेजिडुअल्स फॉर्म कैसे बनाई हुई हैं। ठीक है, जब आप लोगों ने ये बना लिया, अब इसमें आप लोगों के पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है ये देखें। आपके पास समेशन x3 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लिया तो समेशन x1 माइनस b12.3 यहाँ पर आ गया, x2 माइनस b13.2 यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास x3 है, तो x3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप लोगों के पास बन गई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आपके पास रेजिडुअल्स फॉर्म की या डेविएशन फॉर्म की इक्वेशंस निकाल ली। इसको हम रेजिडुअल्स भी कह सकते हैं। रेजिडुअल क्या होता है बेसिकली? रेजिडुअल का भी मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन देती चलूँ। रिग्रेशन में रेजिडुअल क्या होता है? रेजिडुअल हमारे पास बेसिकली एरर को कहा जाता है। एरर क्या होता है कि जब हम लोगों ने अपनी इंडिविजुअल जो वैल्यू होती है वाई की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में से हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू को निकाल देते हैं, तो जो भी आपके पास टर्म आती है, जो भी वैल्यू आती है, उसको एरर यानी ई कहा जाता है। इसको रेजिडुअल भी कहते हैं। तो यही काम हमने इनके लिए भी किया है, डेविएशंस के लिए, कि समेशन, जब हमने ये वाली इक्वेशन बनाई, हमने लिखा समेशन एक्स कैपिटल एक्स वन माइनस एक्स बार वन, कैपिटल एक्स टू माइनस कैपिटल एक्स बार टू। तो यही काम हम लोगों ने ये किया। सो रेजिडुअल का मतलब ये होता है, इसको हम रेजिडुअल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। सो हमारे पास रेजिडुअल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस जो है दो टाइप की बन गई, जिसमें आप लोग देख सकते हो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 7 में ये चीज़ कॉमन आ रही है। तो दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो सकती हैं। कोई भी आप लोग इसको जो है वो फॉर्म दे सकते हो। अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें कि हमारे पास एक्स वन माइनस बी वन टू डॉट थ्री एक्स टू बी वन थ्री डॉट टू एक्स थ्री जो है, इसको अगर हम लोग नाम दे दें इन इक्वेशंस को, कुछ इस तरह से नाम दे दें, यानी मैं लिख दूँ समेशन एक्स टू एक्स वन डॉट टू थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, समेशन x3 x1.23 इज इक्वल्स टू 0, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म इन दोनों इक्वेशंस में इक्वल है, इसको मैंने नाम दे दिया x1.23, x1.23 यानी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 डिपेंड विद द डिपेंड वेरिएबल 2 3। इस तरह से रिग्रेशन इक्वेशन x1 विद द डिपेंडेंट वेरिएबल 2 एंड 3, आप देख सकते हो, यही है ना। इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं पार्शियल रिग्रेशन, और पार्शियल रिग्रेशन से हम लोगों ने ये फार्मूलाज जो हैं, ये डेरिवेशंस बनाई हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल होती है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? होप सो आप लोगों को इन फार्मूलाज की समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन द मल्टीपल रिग्रेशन। तो आप लोगों ने याद रखना है, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिडुअल या एरर ऑफ द एस्टिमेट। रेजिडुअल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। सो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, ये चीज़ आप लोगों ने लर्न करनी है, इन फार्मूलाज को आपने लर्न करना है, इन डेरिवेशन को भी आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ, इससे हम लोग वेरियंस का फॉर्मूला, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट होता है, उसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, मज़ीद हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके क्लास, सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट इससे हम इन डेरिवेशन से क्या चीज़ बनाने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो स्मॉल एक्स वन है, हमने जो डेरिवेशन की उसमें, वो कैपिटल एक्स वन माइनस एक्स बार वन के इक्वल है। स्मॉल एक्स टू कैपिटल एक्स टू माइनस कैपिटल एक्स बार टू के इक्वल है, यानी जो हम लोगों ने डेविएशंस निकाली स्मॉल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वो किस चीज़ के इक्वल है, वो लिखा हुआ है। अब आपको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, कैपिटल एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। देख रहे हैं आप लोग, इसी चीज़ का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको एक्स माइनस एक्स बार की जगह पर स्मॉल एक्स वन लिखते हैं लाइक दिस, तो हमारे पास एस वन स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया समेशन स्मॉल एक्स वन का स्क्वायर ओवर एन। एस टू स्केयर का फॉर्मूला बन गया समेशन स्मॉल एक्स टू स्केयर ओवर एन। एस थ्री स्केयर का फॉर्मूला बन गया समेशन एक्स थ्री स्केयर ओवर एन। इसी तरह हमारे पास कोरिलेशन किसके इक्वल होती है, आपको पता है कोरिलेशन इक्वल होती है को वेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स डिवाइड बाय देयर वेरियंसिस ऑफ स्केयर रूट। इसी तरह से समेशन एक्स वन माइनस अगर आर वन टू है, इसका मतलब है कि कोरिलेशन बिटवीन वन वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू।
अब एक्स वन माइनस एक्स बार वन एक्स टू माइनस एक्स बार टू का समेशन, ये कोवेरियंस टर्म होगी, नीचे इनके वेरियंसेज हो गए विद द स्क्वायर रूट। अगर हम इनको जो आपके डेविएशंस फॉर्मली हम लोगों ने इनको नोटेशंस दी हैं उन नोटेशंस में लिखें तो आपके पास ये इसके इक्वल हो जाता है। फिर उसके बाद मज़ीद आप लोग क्या करोगे, आपके पास ये जो समेशन स्मॉल एक्स वन समेशन स्मॉल एक्स टू स्क्वेयर है, आप देख सकते हो ये एन एस वन स्क्वेयर के इक्वल आता है, समेशन एक्स टू स्क्वेयर एन एस टू स्क्वेयर के इक्वल आता है, समेशन एक्स थ्री स्क्वेयर एन एस थ्री स्क्वेयर के इक्वल आता है। अगर इनकी जगह पर हम लोग ये लिख दें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, समेशन स्मॉल एक्स वन स्क्वेयर की जगह लिख दें एन एस वन स्क्वेयर, समेशन स्मॉल एक्स टू स्क्वेयर की जगह लिख दें एन एस टू स्क्वेयर, तो उनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये टर्म बन जाती है विद द स्क्वेयर रूट। अब इसका स्क्वेयर रूट लिया तो हमारे पास आ गई आर वन टू इंटू एन एस वन एस टू इज इक्वल टू समेशन एक्स वन एक्स टू। ओके, ये हमारे पास टर्म बन गई। इसका मतलब हम जहाँ जहाँ पे हमारे नॉर्मल इक्वेशन जो डेविएशंस वाली फॉर्म है जहाँ पर आपकी ये चीज़ मौजूद है उनकी जगह पर हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं। अगर हम लोग ये टर्म लिखते हैं तो हम लोग मज़ीद इसको डिराइव करें सॉल्व करते हुए, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास बी वन टू डॉट थ्री यानी रिग्रेशन इक्वेशन जो है आपकी, सॉरी रिग्रेशन कोएफिशिएंट पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वन टू डॉट थ्री जो है वो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आर वन टू माइनस आर वन थ्री डॉट आर टू थ्री डिवाइड बाई वन माइनस आर टू थ्री का स्क्वेयर मल्टीप्लाई एस वन ओवर एस टू। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बी वन थ्री डॉट टू बी जो टू थ्री डॉट वन इन सब के लिए आप लोग ये फार्मूला खुद से क्रिएट आप कर सकते हैं। आपको समझ आई ये फार्मूला कैसे बना जिससे हम लोगों ने लास्ट टाइम जी। तो क्लास आप लोगों को मैं बता चुकी हुई हूँ कि हम लोग जो है वेरिएंसेस के बारे में पढ़ लिया कि रेजिडुअल फॉर्म में वेरिएंस को कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वेरिएंसेस ऑफ द रेजिडुअल्स, आपके जो रेजिडुअल्स हैं उनके वेरिएंसेस आप किस तरह से बना सकते हो। एक और तरीका होता है जो कि एक न्यू टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है एस वन डॉट टू थ्री का स्क्वेयर। पीछे जो हम वेरिएंसेस पढ़ते रहे एस वन स्क्वेयर एस टू स्क्वेयर उसको हमने रेजिडुअल फॉर्म जो आपके डेविएशंस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने उसके फॉर्मूले आपको बता दिए। अब क्या है कि ये रेजिडुअल फॉर्म का वेरिएंस है, रेजिडुअल फॉर्म के वेरिएंस को आप कैसे लिखते हो एस वन टू डॉट टू थ्री का स्क्वेयर। यानी अगर वेरिएंस वेरिएबल वन का स्क्वेयर है तो डॉट टू थ्री का मतलब है कि टू थ्री आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। एस टू स्क्वेयर है इट मीन्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वन थ्री आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, सो ऐसे वेरिएबल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्रिएट करने का तरीका क्या होता है कि एस वन डॉट टू थ्री का स्क्वेयर हमेशा इक्वल होता है एस वन स्क्वेयर। यानी ये एस वन स्क्वेयर है ना, तो आपने इस सबसे पहले लिखना होगा एस वन स्क्वेयर, देन आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है वन माइनस आर वन टू स्क्वेयर वन थ्री स्क्वेयर वन टू थ्री स्क्वेयर। यानी तीनों आपके जो वेरिएबल्स के जो कोरिलेशंस बनते हैं उनके स्क्वेयर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी आर वन टू आर वन थ्री आर टू थ्री के स्क्वेयर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन प्लस टू आर वन टू आर वन थ्री आर टू थ्री। ओके, सो ये आप लोगों का हो गया एस वन डॉट टू थ्री का स्क्वेयर, और हमेशा डिवाइज़र में क्या आएगा वन माइनस आर टू थ्री का स्क्वेयर। यानी ये जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है एस वन डॉट टू थ्री की, तो आपके ने टू थ्री के कोरिलेशन के स्क्वेयर के साथ इसको डिवाइड कर देना है। इसी तरह आप लोग क्रिएट कर सकते हैं एस टू डॉट वन थ्री का स्क्वेयर भी। तो आज के दिन के लिए आप लोगों ने ये सारे फार्मूलाज जो हैं याद करने हैं, अच्छी तरह से रट लेने हैं ये फार्मूलाज ताकि आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर सकें। देन आप लोगों को अब मैं बताने जा रही हूँ कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन को हम लोग शो करते हैं कैपिटल आर वन डॉट टू थ्री। यानी आप लोगों ने जो प्रीवियस रिग्रेशन का चैप्टर पढ़ा उसमें आपने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा था ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आप लोग कैपिटल आर स्क्वायर से शो किया करते थे। यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन में कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन एक होता है जो कि कैपिटल आर वन डॉट टू थ्री से शो किया जाता है। आर वन डॉट टू थ्री का मतलब क्या है कि वन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टू थ्री जो है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके दरमियान में कोरिलेशन आपने निकालनी है मल्टीपल कोरिलेशन। और उसका बेसिक जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है वन माइनस एस वन डॉट टू थ्री का स्क्वेयर ओवर एस वन स्क्वेयर। लेकिन आप देखें
आप लोग देख रहे हैं डिवाइड बाय एस वन स्केयर, आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसकी जगह पे आप लोग ये वाला लर्न कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसको मज़ीद आप लोग सॉल्व करते हो तो इसी तरह की फॉर्म बनती है। तो आपने क्या करना होगा, इस फार्मूले को याद करने का तरीका क्या है, R1.23 का तरीका क्या है कि पहले R12 का स्केयर लिखा जाए, प्लस कर दिया जाए R13, यानी पहले इस 1 को 2 के साथ मिला के कोरिलेशन लिखनी है, देन R13 को मिला के इसके स्केयर की कोरिलेशन लिखनी है, माइनस कर देना है तीनों किस्म की कोरिलेशन के साथ, 1, 2, 1, 3, 2, 3 कोरिलेशन के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल के साथ उसको सबट्रैक्ट कर देना है और डिवाइड कर देना है 2, 3 के, 1 माइनस R23 स्केयर, ठीक है। सो इस टर्म से हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला बनाया, बेसिक आप लोगों ने ये याद करना है R1.23। फिर सुन ले कैसे हम लोग R1.23 बनाते हैं, कि जो आप लोगों ने क्या करना है पहले 1, 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखें, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते होते हैं। सो मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2R1 R23 R13 डिवाइड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ठीक है। सो आप लोगों ने याद करना है, सॉरी यहाँ पर मैंने आप लोगों की ये जो है स्क्वायर रूट नहीं लगाया, स्क्वायर रूट भी आप लोगों का लगाना ज़रूरी है। तो आप लोगों का ये कोरिलेशन का, मल्टीपल कोरिलेशन का ये फार्मूला हो गया। इसको जनरेट करने का तरीका भी मैंने आपको पीछे बता दिया कि ये फॉर्म्स हमारे पास बनती कैसे हैं, कहाँ से हम लोग डिराइव करके ऐसी कोरिलेशंस की फॉर्म बनाते हैं। तो R1.23 का ये फार्मूला आपने याद करना है, इसी तरह से R1.23 से आप लोगों ने दो मज़ीद फार्मूलाज बनाने होंगे, R2.13 R3.12, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो मैं यहाँ पे बनाकर आपको बता देती हूँ कि हम लोग ये फार्मूला कैसे बनाते हैं, ताकि आप लोगों के लिए याद करना भी आसान हो जाए। लेट्स डू इट। ओके, सो मैं आप लोगों का आज यहाँ तक के टॉपिक करवाऊँगी, ताकि आप लोग ये वाले फार्मूलाज याद कर लें, अच्छी ये वाले फार्मूलाज अच्छी तरह से याद कर लें, डेविएशंस देख लें कि कैसे हम लोग डेविएशंस करते हैं, फिर हम लोग मज़ीद आगे चलेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि R1.23 का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, R12 का स्क्वायर यानी कोरिलेशन, R12 का स्क्वायर प्लस कर देना है इस कोरिलेशन को R13 के स्क्वायर के साथ, माइनस कर देना है 2 टाइम्स R12 R13 R23, डिवाइड कर देना होगा आप लोगों ने 1 माइनस R23 के स्क्वायर के साथ, और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन 1.2.13 बनाने जाती हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊँगी। सबसे पहले लिखूँगी R21 का स्क्वायर, फिर प्लस कर दूँगी R23 के स्क्वायर के साथ, फिर माइनस हो जाएगा ये 2R12 R13 R23, और डिवाइड कर दिया जाएगा इसको 1 माइनस R13 के स्क्वायर के साथ, यानी ये जो टर्म आपकी डॉट के बाद आती है उसके स्क्वायर के साथ सबट्रैक्ट करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपको समझ आई किस तरह से हमने मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला जो है बनाना होता है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने R3.12 के लिए भी फार्मूला खुद से बना लेना है। अब आपको समझ आ गई होगी कैसे बनाते हैं। ओके क्लास, मैं बता दूं आप लोगों को एक और चीज़, हम लोग इसे कहते हैं R1.23 R2.13 R3.12। दीज थ्री नोटेशंस आर यूज फॉर द मल्टीपल कोरिलेशंस, दीज आर कॉल्ड द मल्टीपल कोरिलेशंस। ओके, आपकी जो सबस्क्रिप्ट में वेरिएबल डिपेंड करते हैं, जो कि आपकी रिग्रेशन इक्वेशन होती है,
इसका मतलब क्या है, R1.232.13T.12, इट मीन्स कि यहाँ पर तीन किस्म के मल्टीपल कोरिलेशंस निकाले जा रहे हैं फॉर द इक्वेशन। अगर आप लोगों के पास इक्वेशन होगी X1, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, डिपेंडेंट 2 और 3 है, और मल्टीपल कोरिलेशन निकाली जाएगी 2.13 जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होगा और वेरिएबल 1, 3 जो हैं वो डिपेंडेंट होंगे। मल्टीपल कोरिलेशन 3 निकाली जाएगी .12 जब 3 आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, 1, 2 आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाए। 3 का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट को आप लोग पहले लिखोगे और जो 2 आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं इनको आप लोग डॉट के बाद लिखोगे मल्टीपल रिग्रेशन सॉरी कोरिलेशन में। ठीक है, समझा गए इस बात की। सो मल्टीपल कोरिलेशंस ये आपके पास हो गई, इसके फॉर्मूलाज भी आपने जनरेट करना सीख ली। अब आपका काम क्या होगा, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, डेरिवेशंस को जो भी डिराइव किया, किस तरह की इक्वेशंस नॉर्मल बनती हैं, रेजिडुअल्स क्या बनते हैं, डेविएशंस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके वेरियंसेस क्या होते हैं, वेरियंसेस के बाद उनके आप लोग कोरिलेशंस कैसे निकालते हो, कोरिलेशंस के बाद आप लोग ने जो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बनाया उसका मतलब क्या है, फिर आप लोगों ने पार्शियल रिग्रेशन के अलावा आप लोगों ने मल्टीपल कोरिलेशन जो है आज पढ़ी उसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा मल्टीपल कोरिलेशन हमेशा 0 से लेके 1 के दरमियान में हमेशा लाई करती है, ये आपने याद रखना है। इसका आंसर मल्टीपल कोरिलेशन चाहे ये हो या ये हो, इन तीनों में क्या होगा कि इनका आंसर हमेशा 0 से लेके 1 के दरमियान में लाई करेगा, ये आपने याद रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अक्सर आपको MCQs में पूछी जाती है। मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर हमेशा 0 से लेके 1 के दरमियान में लाई करेगा। फिर याद रखें मल्टीपल कोरिलेशन के ये आपकी नोटेशंस होती हैं, ठीक है, इनको मल्टीपल कोरिलेशन कहा जाता है, जिसको कैपिटल R और सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है 1.23, 2.13 या 3.12। इसका मतलब क्या होता है 1.23 का, कि 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डॉट के बाद जो 2 वेरिएबल हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मल्टीपल कोरिलेशंस हैं और मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर हमेशा 0 से लेके 1 के दरमियान में लाई करता है। अच्छा क्लास, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का एक काम है कि आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी होगी। एक असाइनमेंट तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसको आप लोग अच्छी तरह से करें। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है कि आप लोगों को जो मैंने पार्शियल रिग्रेशन कोफिशेंट्स के फार्मूलाज बताए हैं वो आपने याद करने हैं, मल्टीपल कोरिलेशंस के फार्मूलाज, वेरियंसेस ऑफ द रेजिडुअल्स के फार्मूलाज, बल्कि मैं यहाँ पर लिख भी दूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं कि आपने काम क्या करना है, मैं लेक्चर के अंदर ही आपको बता दूँ। तो आप लोगों ने क्या क्या याद करना है आज के लेक्चर में, आप लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए मैं बता दूं, पार्शियल रिग्रेशन, इक्वेशंस, ठीक है, आपने यानी नॉर्मल इक्वेशंस बनाना सीखी। कैसी इक्वेशंस बनाई आप लोगों ने, आप लोगों को याद होगा इस तरह से आपने कुछ इक्वेशन बनाई, ठीक है, आपने इसकी मजीद डेरिवेशंस की और बताया कि ये चीज़ किसके इक्वल होती है। देन आप लोगों ने आज के लेक्चर में पार्शियल रिग्रेशन इक्वेशन के अलावा आप लोगों ने पढ़ा पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े, डिराइव करके हम लास्ट रिजल्ट तक पहुंचे कि B1.2.3 किसके इक्वल होता है या B1.3.2 किसके इक्वल होता है, हम लोग इसके फार्मूलाज को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आप लोगों ने ये जब सॉल्व कर लिया देन आप लोगों ने पढ़ा वेरियंसेस, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने डेविएशन फॉर्म के जो है वो वेरिएंसेस पढ़े, S1 square, S2 square, S3 square आपने पढ़ा। देन आप लोगों ने पढ़ा वेरिएंसेस ऑफ द रेजिडुअल्स, आपने रेजिडुअल्स के वेरिएंसेस को पढ़ा, ठीक है,
रेजिडुअल्स के वेरिएंसेस क्या थे, S1.23 square, S2.13 square, S3.12 square। अब ये और ये आप लोगों ने खुद जनरेट करना है, ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, ये दो आप खुद जनरेट करोगे, ये बता दिया, ये वाला खुद आप जनरेट करोगे, ठीक है। एक्स वन की इक्वेशन बता दी, टू के लिए, थ्री के लिए आप लोग खुद जनरेट कर सकते हो। देन लास्ट पे हमने फॉर्मूला पढ़ा मल्टीपल कोरिलेशन का। मल्टीपल कोरिलेशन आपके पास किसके इक्वल होती है वो भी बता दिया, R1.23, R2.13, R3.12, ठीक है। ये आप लोगों ने आज टर्म्स पढ़ी या टॉपिक्स पढ़े, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के इनके सॉल्विंग क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल, इनसे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, तो हमें फॉर्मूलाज अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। तो अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखें, ठीक है। और अपनी जो स्टडी है उसकी प्रैक्टिस साथ साथ में, लेक्चर्स के साथ साथ में किया करें, ताकि आप लोगों के लिए अपनी स्टडी को समझना इन इन ऑनलाइन लेक्चर्स में आसान हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।